तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ सील के सीजन 3 के एपिसोड 1 से लेकर 50 तक किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हाउचन था वह जैक सिटी के अंदर अंडरग्राउंड हो गया था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हाउचन होता है वह अंडरग्राउंड होकर अपने कमरे में कल्टीवेशन कर रहा होता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि वह लेवल 7 पर पहुंचने वाला है। और गाइस, हाउचन की इस समय की कल्टीवेशन लेवल 6 के स्टेज 9 की एकदम फाइनल स्टेज पर होती है। मतलब हाउचन कभी भी अगर थोड़ी सी और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाता है तो वह लेवल 7 तक पहुँच सकता है। पर जो हाउचन था वो अभी लेवल 7 पर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा था। जो हाउचन था जब वो लेवल 6 पर पहुंचा, उसके बाद हाउचन का मानना है कि वो काफ़ी ज़्यादा कम बैटल लड़ा है, जिसके कारण उसका अभी लेवल 6 का बेस स्ट्रांग नहीं हुआ है। और उसके बाद हाउचन को अभी 16 मिशन भी पूरे करने हैं और एक 60 डेमन गॉड वाला भी मिशन पूरा करना है, और इसमें उसे 2 साल लग सकते हैं। जब हाउचन लेवल 7 पर पहुंचेगा तब वह सोचता है कि मिथिल फाउंडेशन कंपटीशन में जाकर वह पहले अपने लिए मिथिल फाउंडेशन आर्मर लेगा। वह अपने मदर और फादर से मिलने जाएगा, क्योंकि उसके फादर ने प्रॉमिस किया था कि जब लॉन्ग हाउचन लेवल 7 पर पहुंच जाएगा तब वह उनसे मिलने आ सकता है। जब हाउचन लेवल 7 पर पहुंचेगा तो वह फिर से एक न्यू रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि नाइट टेंपल में कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जो 17 की उम्र में लेवल 7 तक पहुंच गया हो, और हाउचन तो एकदम पहुंचने ही वाला है। तभी हाउचन के कमरे में 17th किंग ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड का कैप्टन तियान किंग आता है और हाउचन को देखकर कहता है, तुम्हारी पावर तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम फिर से एक न्यू रिकॉर्ड बनाए होगे। जान रहे हो, हम लोग 2 महीने से यहाँ पर अंडरग्राउंड होकर छुपे हुए हैं। मेरे बाहर के जासूसों ने यह खबर दी थी कि 2 महीने के अंदर पूरे जैक सिटी में 20 से भी ज़्यादा डेमन हंट स्क्वायर रिमूवल टीम देखी गई है, और वो भी लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। उनमें ने कितने कैप्टन तो लेवल 9 के भी ऊपर थे और वो पूरी जैक सिटी को भी छान मार रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। और तुम जानते हो, डेमन गॉड एम्परर ने कई सारे डेमन गॉड को भी यहाँ पर भेजा था और वो लोग लगातार 1 महीने से छानबीन कर रहे थे। वो लोग तो 1 महीने बाद चले गए। और सबसे ज़्यादा शानदार खबर जान रहे हो क्या है, कि पूरे जैक सिटी में अब केवल स्टार ग्रेट के डेमन हंट स्क्वायर रिमूवल टीम ही मौजूद है, और उनका तो सामना हम लोग कर ही लेंगे। क्या तुम्हारी टीम तैयार है? ना एकदम तहलका मचा दिया जाएगा। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता, हाँ हम लोग तो पहले से ही तैयार हैं। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है जैक सिटी के अंदर, जहाँ पर रोड पर एक डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम का कैप्टन और उसके पीछे उसके 9 साथी डेमन चल रहे होते हैं, और वो सारे 9 डेमन लेवल 7 के ऊपर के थे, और वहाँ पर उन्हीं में से एक बंदा था भालू डीमन। और इस गाइस, इस भालू डीमन की सबसे बड़ी पावर इसका डिफेंस है, और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह लेवल 7 पर होकर भी हवा में नहीं उड़ सकता। लेकिन इस भालू डीमन का डिफेंस इतना ज़्यादा भयानक है कि वह बड़े से बड़े अटैक को अपने शरीर पर ले सकता है और उसे कुछ नहीं होगा। इस डीमन का उपयोग जो डेमन गॉड एम्परर है वह अपनी सीमाओं पर टेम्पल ऑफ अलायंस के सोल्जर से लड़ने के लिए करता है, क्योंकि इनका डिफेंस तो बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर तोड़ सकता है। उसके बाद वहाँ पर जो भालू डेमन होता है वो अपने कैप्टन से कहता है, और गाइस इनके कैप्टन का नाम होता है जिंगशू, जो एक लेवल 8 का डेमन होता है। भालू डेमन अपने कैप्टन से कहता है, कैप्टन हमारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा बेकार है, हमारी टीम को बने हुए 2 साल हो चुके हैं लेकिन हमारा सामना अभी किसी भी ह्यूमन डेमन हंट स्क्वाड से नहीं हुआ है। हमारी किस्मत का क्या कहें, और ये डेमन गॉड एम्परर हमें इस छोटे से जैक सिटी में कभी से भेज दिया है, और हमें अभी यहाँ पर 1 महीने और रहने हैं। पता नहीं जो हमारे साथी हैं उन्होंने तो एक एक डेमन हंट स्क्वाड टीम को ख़त्म भी कर दिया है और कितने लड़ चुके, लेकिन हमारी किस्मत देखिए, हम लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं पागलों की तरह, हमें अभी तक कोई ह्यूमन डेमन हंट स्क्वाड टीम ही नहीं मिली। तो कैप्टन कहता, हाँ हमारी टीम की किस्मत तो खराब ही है, ये जरूर इसी की वजह से होगा। तो बंदा बोलता, अरे मेरी वजह से कहाँ। और उसके बाद वो लोग ऐसे ही कहते कहते एक होटल में पहुँच जाते हैं, और होटल में दादागिरी दिखाते हुए कहते हैं, वेटर जल्दी से जाओ मेरे लिए मुर्गा लाओ। और वहाँ पर वो लोग खूब सारा दारू और ऐसे ही मांस मछली खाने लगते हैं, और तभी वहाँ पर कैप्टन को कुछ अजीब सा महसूस होता है।
कैप्टन तुरंत साइड हो जाता है और वह कहता है किसी असैसियन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। यहाँ पर कोई ह्यूमन डेमन हंट स्क्वाड है जो हम पर छुपकर नजर रखे हुए है। सारे लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। और यह बात सुनकर वहाँ पर जितने भी डेमन होते हैं वह तुरंत अपने अपने वीपन लेकर चारों तरफ देखने लगते हैं। और उस होटल में एक काली परछाई इतनी तेज स्पीड के साथ मूव कर रही थी कि उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी काली परछाई के आसपास एक सफेद परछाई घूम रही थी और ये दोनों एसेसियन थे जिनमें से एक कायर थी और एक किंग ग्रेड वाला डेमन हंट स्क्वाड का एसेसियन था। और जो किंग ग्रेड डेमन हंट स्क्वाड का एसेसियन होता है वह तुरंत एक फ्लैश अटैक उस डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम के कैप्टन पर करता है। लेकिन अचानक से भालू उस कैप्टन के सामने आ जाता है और वह अटैक अपने शरीर पर ले लेता है। भालू को उतना चोट नहीं लगता। उसके बाद वो जो दोनों परछाइयां होती हैं वो अचानक से बाहर भागने लगती हैं और कैप्टन कहता है जल्दी से उन्हें पकड़ो। और जो जिंगशु कैप्टन होता है वो भी होटल से जल्दी जल्दी अपने टीम के साथ बाहर निकलने लगता है और वह देखता है कि वह सफ़ेद और काली परछाइयां आसमान में उड़ती हुई जा रही हैं। और वहां पर तुरंत जो डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम का कैप्टन जिंगशु होता है वह तुरंत अपने आध्यात्मिक पंखों को खोलकर उनका पीछा करने लगता है और वह आसमान में उड़कर देखता है कि वह दोनों काली और सफ़ेद परछाइयां गायब हो गई हैं और इधर उधर देखने लगता है। तभी जो सफ़ेद परछाई होती है वह सीधे जिंगशु पर अटैक करती है और जिंगशु तुरंत उसे डॉच करता है। लेकिन पीछे से कायर होती है जो अपना संसार का स्पिरिचुअल स्टोप का यूज करती है और सेंट नाइफ को समन करके तुरंत उस कैप्टन जिंगशु के पीछे आ जाती है और अपने सेंट नाइफ का यूज करते हुए उसके गले के पीछे वार करती है। और कायर ने यहाँ पर अपने संसार का खंजर और संसार का स्पिरिचुअल स्टॉप दोनों का यूज किया था। कायर का यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वह लेवल 8 वाला कैप्टन जिंगशु को डॉज करने का भी मौका नहीं मिलता और उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता। और कायर का स्पिरिचुअल स्टोप तुरंत उस डेमन के डेमन स्टोन को अपने अंदर ले लेता है। और यह नज़ारा देखकर जो उस डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम के 9 बाकी बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और अपने कैप्टन को मरता हुआ देखकर उनके दिल में भी दहशत मच जाती है। और वह तुरंत सोचते हैं कि वो लोग 2 हैं, हम अभी 9 बचे हुए हैं। तुरंत उसमें से 8 बंदे उड़कर आसमान में कायर और उस सफ़ेद एसेसियन को मारने जाते हैं। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आज एक न्यू एनिमी स्टार्ट किया है तो उसको भी सपोर्ट कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है या आप मेरे चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। और गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, अगर आपका इस थ्रोन ऑफ स्टील से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं और आपको किस एपिसोड से देखना है वहां भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद वो जो डेमन हंट स्क्वायर रिमूवल टीम के जो 9 बंदे होते हैं उनमें से 8 उड़कर आसमान में चल जाते हैं और एक भालू डेमन नहीं जा पाता क्योंकि उसके पास उड़ने की पावर ही नहीं थी। और वो लोग जब 8 बंदे आसमान में पहुंचते हैं तो इधर उधर देखने लगते हैं लेकिन कोई था ही नहीं। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि बादलों में हाउचेन की टीम और किंग रेड डेमन हंट स्क्वाड टियांग किंग की टीम छिप हुई है। तभी वो 8 इधर उधर देखने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर वो दोनों चले कहाँ गए, हमारे कैप्टन को मारकर वो सोच रहे हैं कि बचकर हमारे हाथों से चले जाएंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है हाउचेन तुरंत अपनी 7 मेंबर्स को लेकर और टियांग किंग भी अपने 6 मेंबर के साथ उन पर अटैक कर देता है। और वो 8 डीमन इतने सारे डेमन हंट स्क्वाड के मेंबर्स को देखकर एकदम डर जाते हैं क्योंकि उनमें से हर एक बंदा बहुत ही ज़्यादा उन लोग को पावरफुल लग रहा था। तभी उन्हीं में से एक डेमन बोलता है अरे ये तो 2 थे ना, आखिर 13 कहाँ से हो गए। तभी दूसरा डेमन बोलता है अरे वो हम लोग पर घात लगाए हुए बैठे हुए थे, हम लोग को वो अपने जाल में फंसा चुके हैं, जल्दी से यहाँ पर हमारी रक्षात्मक फॉर्मेशन को बनाया जाए और उनसे हम लोग देखते हैं इन लोग का सामना कर पाते या नहीं। और वो लोग तुरंत अपना एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं जो उन्हें डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम को बनाते समय सिखाया गया था। लेकिन वो फॉर्मेशन ज़्यादा देर तक हाउचेन और टीम किया के सामने टिक नहीं पाता। वो फॉर्मेशन को हाउचेन बहुत ही आसानी से एक ही असुरा स्ट्राइक में तोड़ देता है। अब यहाँ पर हाउचेन की टीम और टियांग टीम और ये 8 डीमन के बीच में काफ़ी ज़्यादा
आइकॉनिक लेवल की बैटल हो जाती है, जिसमें हाउचेन 5 मिनट के अंदर ही इन 8 को खत्म कर देता है। अब केवल एक ही डेमन बचा था, भालू वाला डेमन, जो नीचे देख रहा था और उसके चेहरे पर भी एकदम डर दिखाई दे रहा था। और गाइस, नेक्स्ट एपिसोड हमारे चैनल पर जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।